तो नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आज का इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट पोएम जो है सेंट्रल आइडिया के लिए, है ना। यानी कि यहाँ पर इस बार आपकी जो सेंट्रल आइडिया आनी है 12 के बोर्ड एग्जाम में, तो क्लास 12 के एग्जाम में जो आपकी सेंट्रल आइडिया आनी है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स कौन कौन से ऐसी पोएम है जिनको मैं लेकर आया हूँ, बस आपके लिए सिर्फ एक दो तीन, यानी तीन पोएम बताऊंगा। और भाई पक्का है कि इन तीन में से आएगा, 100% आएगा, मैं 1000% यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ। और पेपर दे के आना, उसके बाद इस वीडियो का आके दोबारा देख लेगा, ना आए तो आप आना चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इतना खुली चेतावनी पूरे YouTube पर कोई नहीं देगा, ठीक है। और मैं बताता हूँ, इस वीडियो को मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, कहूंगा कि देख लो जो बताया था वही आया कि नहीं आया, ठीक है। इतना आप भरोसा रखो भाई, जो तीन बता रहा हूँ ना, अगर उससे बाहर चले जाए तो लौट के मेरे पास आना, कह देना सर इसमें से नहीं आया था, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, ठीक है। तो इस बात की पूरी गारंटी रहेगी। चलिए फटाफट बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, पहली पोएम जो है यहाँ पर लिखा गया है माई मदर 866, जो कि पहली पोएम है ना। तो माई मदर 66, यानी मेरी जो माता जी हैं 66 वर्ष की अवस्था में हैं, तो ये पोएम आप जरूर तैयार कर लेंगे, इसकी सेंट्रल आइडिया आपको आनी चाहिए। साथ साथ एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो कि ये पोएट होते हैं या फिर पोएटेस होते हैं ना, उनके भाई आप नेम जरूर तैयार रखेंगे इसमें, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज़ फुल मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। दूसरा है पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये भी क्लास 12 का इंपॉर्टेंट पोएम है, इसकी भी सेंट्रल आइडिया आपको बिल्कुल तैयार करके जानी है। इसका भी आपको पोएट का नेम जरूर तैयार करके जाना है और पोएट के नेम जरूर लिखना है भाई, ठीक है। सेंट्रल आइडिया प्लस लिखनी कैसे, वो सब आपको बताया गया है, अभी मैं तुरंत बता भी देता हूँ। उसके बाद बात करें तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा नंबर चैप्टर जो है वो कीपिंग क्वाइट है, कीपिंग क्वाइट है ना, कीपिंग क्वाइट को भी आप याद रखेंगे पोएम सेंट्रल आइडिया को, और इसका पोएट नेम भी आप जरूर तैयार करके जाएंगे। अब आप लोग अगर पूछ रहे हो कि सेंट्रल आइडिया लिखना कैसे है, चलिए मैं वही बता देता हूँ कि सेंट्रल आइडिया को स्टार्टिंग में लिखा कैसे जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए जैसे आपको ब्लैक शीट पूरी एक मिलती है ना, यहाँ पर ऐसे है ना, तो उसमें आपको क्या करना रहता है पता है, ब्लैक शीट जैसे मिले भाई है ना, ब्लैंक रहता बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डालना है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पहले नंबर पर आपको हेडिंग डालनी है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम पहले लाइन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपना मार्क्स अंडरलाइन वगैरह जैसे आप जो करते हैं वो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जैसे मान लीजिए है माई मदर 66, ठीक है, तो यहाँ पर आप उस चैप्टर का पोएम का नाम डाल दीजिए, माई मदर 866, ठीक, अंडरलाइन। उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है, लिखना आपको कैसे है ना, वो कौन कौन सी लाइनें हैं जिनको आपको स्टार्टिंग में लिखना है, चलिए मैं बता देता हूँ। तो लिखना है आपको द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये पूरा ब्लू लाइन्स ब्लू पेन से रहेगा। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर इनवर्टेड कॉमा लगा दीजिए, इनवर्टेड कॉमा लगाने के बाद उसमें पोएम का नाम लिख दीजिए, जैसे पोएम है क्या माई मदर 66, माई मदर 66, फिर इनवर्टेड कॉमा इसको बंद करिए, ठीक है। उसके बाद लिख दीजिए इज है ना कंपोज्ड, इसकी रचना की गई है, रचना किसके द्वारा की गई है, कमला दास है ना भाई, इसकी रचना कमला दास के द्वारा की गई है, ठीक है, जो कि एक पोएटेस है ना, और भी क्या बताती हैं, तो यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से लिखेंगे इन दिस पोयम, ठीक है, इस पोयम में, इन दिस पोयम, अब आगे आपको बना बना के लिखना है कि पोएट कहती है कि मैं अपनी माँ को देखकर बहुत दुखी हूँ, है ना, पास से हाईवे से गुजर रही होती है तो सोचती है कि मैं अपनी माँ से मिल लूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप यहाँ पर बना बना के आपको पूरा कंप्लीट करके लिख देना है, ठीक है भाई। तो होप सो स्टूडेंट्स की सेंट्रल आइडिया आपकी कंप्लीट हो गई 12 में, सेंट्रल आइडिया से आप बिल्कुल अब टेंशन फ्री हो जाइए, इतना देख कर जाइए वीडियो को देख लेना, ठीक है, बिल्कुल आपको पक्का तैयार हो जाएगा, ठीक है, और आप पेपर में अच्छा से 100% पूरा करके आएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद और वंदे मातरम।